के सारे पत्ते सही पड़ रहे हैं तो डरना किस बात? डराने वाली कोई बात तो क्यों नहीं है? एक खेल खेलिएगा हमारे साथ। जिंदगी का मजा हमने बहुत कम लिया, अब वापस लौटा हूँ जिंदगी भर का मजा लूंगा। जब काटने की औकात नहीं होना तो भौंकना भी नहीं चाहिए खतरी। मैं आपका आदमी हूँ, मेरी वफादारी आपके साथ है। सितारों की तरह हम सब में आग, कई चिराग बनकर दुनिया को रोशन करती है या फिर जंगल की आग बन के रास्ते को जला कर राख कर देती है। बॉलीवुड इंडस्ट्री के चार सुपरस्टार सनी देओल, संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ अपनी नई फिल्म लेकर आ रहे हैं जिसका नाम अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन मेकर्स ने इस मूवी का फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया है। जी हाँ, 80 और 90 के दशक में हिंदी सिनेमा पर राज करने वाले ये एक्टर फिल्म में एक साथ दिखाई देंगे। सनी देओल ने फिल्म का पहला लुक शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, बाप ऑफ ऑल फिल्म्स, शूट धमाल, दोस्ती बेमिसाल। फिल्म के पोस्टर लुक में चारों दिग्गज स्टार्स एक साथ बैठे हुए सीढ़ियों पर पोज देते हुए नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर में चारों का लुक कमाल का लग रहा है। फिल्म को विवेक चौहान डायरेक्ट कर रहे हैं। अहमद खान, शायरा अहमद खान और जी स्टूडियोज ने मिलकर इसे प्रोड्यूस किया है। लुक की बात करें तो मिथुन चक्रवर्ती हाफ स्लीव की लेदर जैकेट पहने हुए, कैप लगाए हुए, माथे पर तिलक लगाए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर सनी देओल के लुक की बात करें तो वो ऑरेंज ड्रिल यूनिफॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। तीसरा लुक संजय दत्त का है, वो ब्राउन जैकेट और ब्लैक प्लेन टी शर्ट और जीन्स में इंटेंस लुक में दिख रहे हैं। चौथा और आखिरी लुक है जैकी श्रॉफ का, जो कि खाकी प्रिंट जैकेट और लेदर शूज पहने हुए नजर आ रहे हैं और गले में रुमाल बांधे हुए दिखाई दे रहे हैं। हर कोई यहां पर इन चारों कलाकारों की तारीफ करता हुआ नजर आ रहा। तो वहीं यूजर्स ने भी भाई कमी नहीं छोड़ी, हर किसी ने कमेंट कर लिख डाला, बाप बाप होता है। एक बार फिर से बड़े पर्दे पर चार धमाकेदार सुपरहिट एक्टर्स नजर आएंगे। बता दें कि इस उम्र में भी ये चारों एक्शन सीन्स करते हुए आपको दिखाई देने वाले हैं। जहां संजय दत्त अपनी कुछ अपकमिंग फिल्मों में बिजी हैं, तो वहीं सनी देओल हाल फिलहाल अपनी गदर 2 की रिलीज के बाद काफी ज्यादा सुर्खियों में भी बने हुए हैं। वेल, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि इन चारों कलाकारों को एक साथ पर्दे पर देखने के लिए आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं और बाप ऑफ ऑल फिल्म्स को लेकर आपका क्या कहना है। खबरें हैं कि इस फिल्म का ट्रेलर इस साल के एंड तक आ जाएगा और ये फिल्म अगले साल तक बड़े पर्दे पर भी आपको देखने को मिल जाएगी।